हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी छोड़ी मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि आज ही अमेज़न प्राइम पे रिलीज हुआ है, और इस मूवी में हम लोगों को नुसरत भरूचा को लीड रोल पे देखने को मिलेंगे। तो ये हॉरर मूवी कैसा हुआ इसी के बारे में मैं बात करूँगा अभी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। छोड़ी ट्रेलर जो मैंने देखा था, तो वो ट्रेलर देखने के बाद इसका जो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे थे, क्योंकि ट्रेलर देख के मुझे लगा शायद यहाँ पे कुछ विच रिलेटेड हम लोगों को स्टोरी देखने को मिलेंगे। लेकिन छोड़ी फिल्म पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, वो आजकल के समय भी हम लोगों को ऐसे चीज़ें देखने को मिलते हैं, विच इज़ अ रियलिटी चेक ऑल्सो। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये फिल्म एक मराठी फिल्म से बॉलीवुड रीमेक है। मराठी फिल्म का नाम है लापा छपी। तो स्टोरी के बारे में अगर कहूँ तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नुसरत भरूचा एक एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं एंड शी इज़ प्रेग्नेंट ऑल्सो। तो उनके हस्बैंड कुछ सिचुएशन में पड़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम फेस करेंगे, जिसके कारण वो दोनों अपने घर से भाग जाएंगे कुछ दिन के लिए। अब नुसरत भरूचा उनके हस्बैंड के जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर उन दोनों को ले जाएंगे अपने गांव पे, अपने घर पे, वहाँ पे जाके उन दोनों को रहने के लिए जगह देंगे। यही से कहानी शुरू होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही हम लोगों को देखने को मिलेंगे कि नुसरत भरूचा विल फेस समथिंग सुपर नेचुरल थिंग, समथिंग हॉरर विल हॉन्ट हर ऑल्सो। उनको तीन बच्चे देखने को मिलेंगे और एक औरत भी देखने को मिलेंगे जो उनके आमने सामने रहते हैं। तीन बच्चे उनके साथ खेलने की कोशिश करते हैं, सम स्पूकी इंसिडेंट्स विल ऑल्सो हैपन। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे और स्टोरी बढ़ते हैं, हम लोगों को बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे कैसे ये तीन बच्चे एक्चुअली क्यों ये तीन बच्चे भूत हुए, या फिर जो तीन बच्चे के साथ जो एक औरत भी थे वो कैसे यहाँ पे एक विच टैग क्यों दिया है उनको, कैसे किस तरीके से यहाँ पे घटनाएं हुए। यहाँ पे स्टोरी को दो साइड से दिखाने की कोशिश करेंगे, एक है फ्रॉम द ड्राइवर्स एंड हिज मदर्स पर्सपेक्टिव, एंड ऑल्सो फ्रॉम द वन जो कि यहाँ पे भूत है। अब नुसरत भरूचा किसके बात पे यकीन करेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, सब कुछ आप लोगों को छोड़ी फिल्म पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हॉरर के साथ साथ जो एक सोशल कंटेंट यहाँ पे यूज़ किया है, वो है वीमेन इन्फेंटिसाइड। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि अर्बन एरिया में अगर बेटी होते हैं तो किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है, या फिर अभी भी कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो कि पालन करते हैं। तो वही थीम इस फिल्म पे दिखाने की कोशिश किया है और एक अच्छा सोशल मैसेज भी दिया है इस फिल्म के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फिल्म पे यूज़ किया है। फिल्म पे हॉरर एलिमेंट कुछ कुछ सीन पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस सीन पे जो एडिटिंग यहाँ पे यूज़ किया था, वो फ्रेम पे जिस तरीके से कट होंगे, जिस तरीके से सडनली म्यूजिक दिखाएंगे, या फिर जो एडिट यूज़ किया है, इन दोस फ्यू सीन्स आप लोगों को सच में बहुत चौंका देंगे, आप लोगों को थोड़ा डरावना फील भी करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली आप लोगों को क्लाइमैक्स सीन पे आके बहुत ही अच्छा ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था जिस तरीके से पूरे फिल्म पे स्टोरी को एंड किए हैं। तो वो सीन बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन किया है। फिल्म का रन टाइम है लगभग 2 घंटे 10 मिनट, तो इट वाज ओके अकॉर्डिंग टू द रन टाइम। फर्स्ट हाफ पे बेसिकली आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पे नुसरत भरूचा कैसे वो जगह पे जाते हैं, गन्ने के खेत से जाएंगे, गन्ने का खेत भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे मूवी पे। और सेकेंड हाफ पे बेसिकली ये जो पूरा स्टोरी है कि ये तीन बच्चे कैसे मारा गए, ड्राइवर और उनके पत्नी इस सारे घटनाएं से कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या उनके कारण ये सब हुआ है, सब कुछ आप लोगों को सेकेंड हाफ में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टोरी को जिस तरीके से डायरेक्टर ने रिप्रेजेंट किया है कि आप लोग हर बार गेस करते रहोगे कि ये हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, आप लोगों के माइंड से डायरेक्टर पूरा खेलेंगे एकदम सेकेंड हाफ पे। क्योंकि सीरीज ऑफ इवेंट्स या फिर कहूँ एडिटिंग यहाँ पे जिस तरीके से किया हुआ है, जिस तरीके से स्क्रीन प्ले सेकेंड हाफ पे लिखा हुआ है, इट विल कीप यू कम्प्लीटली एंगेज्ड। फिल्म पे मेकअप बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जो मेन यहाँ पे वो भूत के रोल प्ले करेंगे उनका मेकअप बहुत ही अच्छा तरीके से, बहुत ही रियलिस्टिक वे से यहाँ पे यूज़ किया है, जो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। लेकिन नुसरत भरूचा विल मेक यू कम्प्लीटली सरप्राइज। पूरे फिल्म को वो जिस तरीके से कैरी किया है, जिस तरीके से वो एक्टिंग किया है, आप लोगों को बहुत ही कन्विंसिंग और आप लोगों को बहुत ही प्रॉमिसिंग लगेंगे। और फिल्म के एंड में जाके एक टाइप ऑफ सोशल मैसेज भी देंगे, जो सच में बहुत ही चौंकाने देने वाली बात है अल्टीमेटली। तो अगर ओवरऑल छोड़ी मूवी के बारे में कहूँ तो इट्स अ डिसेंट, इट्स अ वन टाइम वॉच, 2 घंटे 10 मिनट आप लोग कम्प्लीटली मूवी के साथ, स्क्रीन प्ले के साथ एकदम एंगेज रहोगे। तो अगर छोड़ी मूवी आप लोगों ने देख लिया है तो मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।